एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सल प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार काम कर रही है। नक्सल पुनर्वास नीति को लेकर सीएम विष्णुदेव साय लगातार सकारात्मक विकास कार्यों को पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित परिवारों के 70 आश्रितों को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए। सीएम साय ने बीजापुर जिले में 263.66 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 228 करोड़ 53 लाख 145 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 35 करोड़ 13 लाख के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा विष्णुदेव साय की मौजूदगी में नक्सल प्रभावित परिवारों के आश्रितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का स्वीकृति पत्र और तेंदु पत्ता बोनस भी दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य चीजें भी लाभार्थियों को दी गई। सीएम साय ने 19,000 से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि दी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 14.09 करोड़ की बोनस राशि वितरित की गई है। बीजापुर में नर्सिंग कॉलेज में 33 नए स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा छात्रों के प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जोड़ने की घोषणा भी सीएम ने आज की। मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिला अस्पताल को 100 बिस्तर से बढ़ाकर 200 बिस्तर करने का ऐलान किया है। आज यहां पर बीजापुर जिले को कुल 263 करोड़ 53 लाख के कामों का सौगात मिला है, जिसमें 228 करोड़ 53 लाख का काम का भूमि पूजन किए हैं और 35 करोड़ के काम का लोकार्पण किए हैं। इसके लिए मैं बीजापुर जिले के समस्त निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो विकास के काम यहां पर हुए हैं और हमको लगता है कि बस्तर क्षेत्र में जो भी विकास के काम हुए हैं, सड़क, बिजली, पानी, 100 करोड़ का पुलिया बता रहे थे, सब 15 साल हम लोग की सरकार में हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज 24।